हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे डाइस पार्ट टू। जी हाँ, कल जो मैं आपको डाइस बताया था यानी पासा, उनका आज हमारा ये दूसरा क्लास होगा। यानी ये जो आज हमारा वीडियो है डाइस के लिए, वो पार्ट टू यानी भाग दो जो है दूसरा भाग है। पहले भाग में यानी पार्ट वन में हम सीखे थे डाइस से क्या, तो सबसे पहले तो डाइस किसको कहते हैं, ये चीज डाइस क्या चीज है, उसके बाद डाइस कितने तरह के होते हैं और डाइस में क्या क्या होते हैं, और डाइस में जो कुछ बातों का ध्यान रखने के लिए होता है वो सात वाला और एक दो तीन चार पांच छह तक जो रहता है, ये चीज हम आपको बताए थे। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे और आज हम आपको ये सिखाएंगे जो प्रतियोगिता परीक्षा में, जैसे रेलवे का भी हमारा क्लास जो है एग्जाम चल रहा है और हमने भी आपको रेलवे का जो काफी सारे चैप्टर का वीडियो दिए हुए हैं, और एसएससी एग्जाम में भी डाइस जो है पूछा जाता है मुख्यतः, तो यही दोनों में, और वैसे राज्य सरकार में भी पूछा जाता है। तो आज हम ये देखेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षाओं का, जैसे रेलवे एसएससी आप जो भी लीजिए, उसमें डाइस से किस तरह का और कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, क्वेश्चन कैसे रहता है, ये चीज सीखेंगे, और उसको हम बनाएंगे कैसे। और जब हम क्वेश्चन आपको बनाना सिखाएंगे तो आप इस चीज को बड़ी ध्यान में रखोगे क्या, तो ये क्वेश्चन बन कैसे रहा है। मान लीजिए बनाने के लिए जो शॉर्टकट मेथड का यूज किया जा रहा है या फिर जो फॉर्मूला लगाया जा रहा है, यानी जो ट्रिक है या फिर जिसको हम क्रीम कहते हैं, तो उस चीज को आपको ध्यान रखना है जो ये कितना आसान है और ये किस तरह का है। बस इसी चीज को आपको क्या है तो समझना है, और आप एकदम निश्चिंत रहो जो आप जो आपने जो कहा था जो सर एक बार डाइस पढ़ा दो, तो आपको एकदम डाइस से प्रॉब्लम लाइफ टाइम के लिए एकदम खत्म हो जाएगा। चलिए हम शुरू करने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम ये देखेंगे ये सीखेंगे जो डाइस चैप्टर से जो आज हमारा ये पार्ट टू है उसमें किस तरह का क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा में आता है और हम उसको कैसे बनाएंगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो शुरू करने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखेंगे जो डाइस का क्वेश्चन किस तरह से बनता है। सरस्वती महाभागी विद्ये कमल लोचने विद्यारूपी विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। रीजनिंग बाय रीजनिंग गुरु मिश्रा सर फॉर एसएससी बैंक रेलवे पुलिस फोर्स। मोबाइल नंबर 9708543314। हेलो फ्रेंड्स, ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है रीजनिंग गुरु क्लासेस में। तो हम बढ़ रहे हैं डाइस पार्ट टू, यानी आज जो हमारा जो ये क्लासेस होगा वो क्या होगा, तो डाइस पार्ट टू के लिए, यानी क्या, तो डाइस यानी पासा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पासा, उसका हमारा ये क्या होगा पार्ट टू। तो बस आज हम इसी के लिए पढ़ रहे हैं क्या, तो डाइस यानी पार्ट टू आज हमारा होगा। और पार्ट वन में हम क्या सीखे थे, एक बार फिर से रिपीटेशन कहा जाए या फिर आपको याद करा दिया जाए, रिमाइंडर करा दिया जाए, आप जो भी कहो वो देखो। तो सबसे पहले हम डाइस में क्या सीखे थे, जो एक डाइस में क्या होता है, तो एक डाइस में कॉर्नर होते हैं, आर्म्स होते हैं और सरफेस होते हैं। सरफेस को हिंदी में फलक या सतह भी कहते हैं, कॉर्नर को हम शीर्ष या फिर कोना कहते हैं, और आर्म्स का हिंदी भुजा होता है। तो ये भुजा कितना होता है,
तो टोटल 12 आर्क्स यानी 12 भुजा होते हैं डाइस में, और शीर्ष जिसको हम कॉर्नर कहते हैं और कोना भी हिंदी में होता है वो कितना, तो 8 कॉर्नर यानी 8 कोना होता है, और सतह यानी सरफेस या फलक जो भी कहें वो कितना, तो 6 होता है। सबसे पहले हम ये सीखे थे, उसके बाद हम सीखे थे जो डाइस हमारा कितने तरह का होता है। तो दो तरह के डाइस होते हैं, पहला क्या, तो जेंडर डाइस यानी साधारण पासा, और दूसरा डाइस क्या, स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा। तो अब हम मानक पासा और साधारण पासा को पहचानेंगे कैसे, तो जिनका दो सरफेस को जोड़ने से अगर 7 आ जाए, यानी दो सतहों का योग यानी दो फलकों का योग अगर 7 अगर वो होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो जेंडर डाइस यानी साधारण पासा। और जिन दो फलकों का योग यानी जिन दो सतहों का योग यानी जिन दो सरफेस का सम अगर 7 नहीं होता है तो उनको हम स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा कहते हैं। ये चीज सीखे थे। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात क्या सीखे थे, जो कुछ भी डाइस आप ले लीजिए उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही रहता है, ना ही 0 होगा, ना ही 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितना भी कहे ये नहीं होगा। उसके बाद हम सीखे थे जो स्टैंडर्ड डाइस जिनका योग 7 होता है, 7 होता है तो उसके विपरीत वाला भी बात हम जो जाने थे वो चीज भी हम डिटेल में कर दिए थे। तो यही चीज हम सीखे थे। तो आइए आज हम इससे आगे बढ़ रहे हैं क्या, तो एक डाइस जो प्रतियोगिता परीक्षा यानी रेलवे का जो अभी हमारा ये एग्जाम चल रहा है, ALP टेक्नीशियन का तो पहले हो चुका है, अभी ग्रुप बी का भी लगभग आधा विद्यार्थियों का हो गया होगा, आधा या बचा होगा लगभग। तो डाइस से इसमें किस तरह का रेलवे परीक्षा में क्वेश्चन रहता है या फिर SSC परीक्षा में क्वेश्चन रहता है या फिर राज्य सरकार के प्रतियोगिता परीक्षा में रहता है, ये चीज आज हम जानेंगे और उसको बनाया किस तरह से जाता है। तो या फिर आप देख सकते हो, तो जैसे कि IB में भी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी जो वैकेंसी आया है, इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव वाला जो मैट्रिक लेवल का है, वो भी अच्छा खासा पोस्ट है और अच्छा खासा ही जॉब है, आप नाम से ही आप एकदम जो है स्पष्ट है। तो इसमें भी डाइस सबका रोल रहता है, यानी मैं आपको पहले कहा था क्या, तो बैंकिंग और इंश्योरेंस में जो है वो डाइस नहीं पूछा जाता है और बाकी लगभग आपको सारे जगहों में जो है मिल जाएगा। तो सबसे पहले अब आप ये जानो जो IB का एग्जाम हो, जैसे कि IB का एग्जाम है या फिर SSC का एग्जाम है या फिर रेलवे का एग्जाम है या फिर राज्य सरकार का कोई भी राज्य सरकार का, चाहे बिहार SSC ले लीजिए, झारखंड SSC ले लीजिए, दिल्ली सबोर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी DSSSB ले लीजिए, दिल्ली सेवा अधीनस्थ सेना यानी दिल्ली सरकार का ले लीजिए, UPPSC आप ले लीजिए, मतलब जो है ले लो जो उत्तर प्रदेश सर्विस सिलेक्शन वाला यानी उत्तर प्रदेश राज्य का ले लो या कोई भी आप राज्य का ले लो, यानी डाइस से जहां भी क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे वो कुछ भी एग्जाम हो, IB हो, SSC हो, रेलवे हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो या फिर और भी जहां पूछा जाता है डाइस से प्रश्न, तो सिर्फ एक ही तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, तो विपरीत यानी अपोजिट। जैसे कि मैंने आपसे कहा था क्या, तो डाइस में क्या अंक रहता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यही 6 अंक रहता है, इससे इसके अलावा कुछ नहीं रहता है, यानी कहने का मतलब ना ही 0 रहेगा। आप भावना को समझो, भावना आई है या नहीं आई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस बसरते आपको भावना को समझना होता है। तो आप देखो ना ही डाइस में 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी आगे आप जितना बढ़ाओ वो नहीं होता है, और ना ही शुरुआत इसकी 0 से होती है, और ये माइनस या प्लस वाला कोई इसमें बात नहीं रहता है, ये डिजिट आप मानो वो डिजिट फिक्स है डाइस का, और वो डिजिट क्या है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही रहेगा,
हाँ, इसके अलावा जो प्रतियोगिता परीक्षा का जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है ना, तो अल्फाबेटिकल, जैसे कि ए बी सी डी लगा रहता है, एक टाइप उससे भी क्वेश्चन पूछता है। दूसरा क्या, तो आपको किसी कलर का नाम रहता है, जैसे कि नीला, पीला, ग्रीन, हरा, ब्लू, रेड, येलो, ऑरेंज, तो इस तरह से कलर का नाम दिया जाता है। तो ये हो गया दूसरा, दो टाइप, एक तो साधारण अंक करके आपको दे देगा डिजिट, एक टाइप ये हो गया। दूसरा टाइप क्या, तो एबीसीडी यानी अल्फाबेट लगा करके। और तीसरा टाइप क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो जैसे पहला टाइप मेरा क्या हो जाएगा, जो कुछ इस तरह से आप ले लो, पहला जो एक डिजिट में देगा और दूसरा क्या रहेगा, तो अल्फाबेट में देगा, और तीसरा आपको क्या रहेगा, तो कलर का रहेगा, कलर तीसरा कलर में रहेगा, और चौथा क्या रहेगा, सिंबल रहेगा, और आपको पांचवा क्या रहेगा, तो डॉट रहेगा। पांचवा जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, तो डॉट, जिसको हम बिंदु कहते हैं, तो डॉट। तो यही एक डाइस का पार्ट होता है। तो पहला क्या, तो एक डिजिट में यानी एबी यानी एक दो तीन चार में रहेगा डिजिट अंक जो भी हो, उसके बाद अल्फाबेट यानी एबीसीडी में रहेगा। आप बड़ा एबीसीडी रहेगा या छोटा एबीसीडी, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही है, ठीक। उसके बाद कलर, अब कलर में कोई कलर का नाम देगा आपको, लाल, पीला, हरा, ब्लू, नीला, कुछ भी आपको कलर देगा। उसके बाद क्या, सिंबल, अब सिंबल के जगह पे आपको क्या देगा, तो स्टार मार्क देगा, एट द रेट देगा, प्लस देगा, माइनस देगा, गुना, भागा, या डॉलर का सिंबल दे, या कॉपीराइट का, जो भी इस तरह से आपको जो है सिंबल देगा, ठीक। या फिर प्ले कार्ड का जो सिंबल होता है, जैसे ठिकरी हम बोलते हैं, यानी ठिकरी, या फिर चिड़िया, या लाल पान, या काला पान, इस टाइप का भी सिंबल आपको जो है मिलेगा प्ले कार्ड वाला, जैसे लाल पान, या काला पान, या ठिकरी, या फिर चिड़िया, ये जो चारों प्ले कार्ड का जो पत्ता होता है वो भी सिंबल आपको रहेगा सिंबल में। उसके बाद डॉट, तो डॉट यानी बिंदु, जिसको हम बिंदु बोलते हैं, जो या तो दो बिंदु रहेगा या फिर तीन बिंदु रहेगा। अब जिस तरह से हम आपको यहाँ पे क्लियर करते हैं, जो ये एक डाइस मान लो हो गया, ये इस तरीका से आपको मैं बताया था, जो थोड़ा तिरछा करके रखना है। तो अब जैसे यहाँ पे बिंदु हुआ, तो जैसे यहाँ पे चार बिंदु इस तरह से चार है, यहाँ पे जैसे मान लो तीन है, और यहाँ पे जैसे दो है, तो इस तरह से डॉट देगा। एक तो ये हो गया, ये हो गया। अब जैसे इसी के नीचे हम आपको बना देते हैं, तो इसको हम इरेज करते हैं, जो आप कॉपी कलम निकाल के ये नोट भी कर लो, जो ये टाइप क्या होता है, इसको हम इरेज करते हैं और बढ़िया से हम ये चीज को देखते हैं। तो जैसे देखो, डिजिट वाला हमारा क्या रहेगा, तो डिजिट कुछ इस तरह से डाइस रहेगा आपको, ये ऐसे डाइस बनाना है। आप डाइस भी देखो, जो डाइस कैसे बनता है, अगर कल के वीडियो में आप नहीं सीख पाए तो आज आप सीख लो, जो है डाइस कैसे इस तरह से ऐसे कर देना है, ऐसे। उसके बाद थोड़ा सा क्या करना है, इसको तिरछा रखना है, और इसको सीधा थोड़ा बढ़ा देना है इस रेंज से, और इसको क्या करना है, इस रेंज से कम और तिरछा करके मिला देना है, यहाँ इस कोने को भी मिला देना है। अब जैसे यहाँ डिजिट है, तो यहाँ क्या रहेगा, जैसे मान लीजिए चार रहेगा, या फिर मान लीजिए यहाँ पे हम सात दे देते हैं, और यहाँ पे हम छह दे देते हैं, तो क्या ये सही हुआ, नहीं सही हुआ। ये चीज हम सात जान करके दिए, क्यों, क्योंकि मैं बार बार आपसे मैं कह रहा हूं, जो सात नहीं होगा, छह तक ही रहता है। तो जैसे डिजिट इसी तरह से रहेगा, लेकिन ये सात नहीं रहेगा, ये छह रहेगा। आप हड़बड़ाओ नहीं, आप आराम से देखो, ये जब तक कुछ उटपटांग नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आता। जैसे हम यहाँ पे लगा देते हैं दो, ठीक है, दो, तो अब ये हो गया, ठीक, क्यों, क्योंकि डाइस में जो आपको डिजिट होता है वो क्या क्या होता है, तो एक दो तीन चार पांच छह, तो सात में दिया तो आप भी चौंक गए होगे, जो सात क्यों है, तो चलिए ये सात नहीं होगा, कहां तक होगा, एक दो तीन चार पांच छह ही रहेगा, ना ही जीरो रहेगा और ना ही आठ सात से आप जहां तक हम जाओ, ठीक। तो डिजिट वाला इस तरह से रहेगा। अब अल्फाबेट वाला आप कुछ इस तरह से ले लो, जो अल्फाबेट जैसे डाइस आपको ऐसे ही रहेगा, जो डाइस तो ऐसे ही बनेगा जिस तरह से हम बनाते आए हैं,
और ऐसे ही डाइस रहेगा, जैसे अल्फाबेट तो यहाँ ए है, तो यहाँ बी है, तो यहाँ एफ कर देगा। तो अल्फाबेट आपको कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अल्फाबेट तो आपको कुछ भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे अब क्या है कलर, तो कलर के लिए डाइस मेरा ऐसे ही रहेगा जिस तरह से हम बनाते आ रहे हैं, डाइस मेरा वही रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन का आप टाइप देख लो जो ये बनेगा कैसे, ठीक है। कलर तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए लाल लिखा है, लाल यहाँ पे पीला, पीला और यहाँ पे हम कर देते हैं हरा, हरा। अब ये चीज आपको अंग्रेजी में भी रहेगा, रेड ग्रीन और येलो, ठीक है, ये चीज आपको नहीं रहेगा। उसके बाद आप क्या है जैसे सिंबल, तो सिंबल के लिए हम यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है, सिंबल के लिए हम यहाँ पे बना देते हैं डाइस। तो सिंबल मेरा कुछ इस तरह से रहेगा, डाइस देखो जैसे हम बनाते आए इस तरह से कर देना है, इसको आप तिरछा लो और फिर इधर से और इधर से आ जाओ इस तरह से, और जैसे सिंबल रहा, तो मान लीजिए जो यहाँ एट द रेट का सिंबल दे दिया, यहाँ आपको प्लस का सिंबल दे दिया और यहाँ एक स्टार का इस तरह से चिन्ह दे दिया, तो सिंबल आपका हो जाएगा यही, ठीक है। तो ये चीज आपको क्या हो गया सिंबल के लिए। अब बच गया डॉट, तो अब डॉट वाला डाइस भी कुछ इस तरह से देख लो, जो यहाँ पे मैं बना देता हूँ डाइस डॉट के लिए क्या है, तो इस तरह से आप जो है देख लो डॉट के लिए डाइस इसी तरह से जैसे मैं बनाता हूँ थोड़ा तिरछा करके। अब जैसे देखो यहाँ पे मान लो पांच अगर दिया गया है, पांच है यहाँ पे, जैसे तीन दिया गया है तीन, और यहाँ पे जैसे हम दे देते हैं दो, ठीक है, तो यही हो गया डॉट डॉट। तो बस आपको जो क्वेश्चन का जो टाइप रहेगा वो इसी से ऐसा ही टाइप रहेगा, यही आपका टाइप हो गया। एक बार आप फिर से बढ़िया से इसको देख लो, जो क्या रहेगा, या तो डिजिट से रहेगा, या तो अल्फाबेट से रहेगा, या फिर कलर से रहेगा, या फिर सिंबल से, या फिर डॉट से रहेगा। इसको हिंदी में जानने के लिए डिजिट यानी क्या, एक दो तीन चार यानी अंक हो जाएगा, और अल्फाबेट यानी वर्णमाला, और वो भी कैसा, तो अंग्रेजी वर्णमाला पे रहेगा, हिंदी वर्णमाला पे ओ आई वाला रहेगा नहीं। उसके बाद कलर, तो कलर भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कलर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अल्फाबेट ये हो गया, कलर आपका कुछ कुछ भी हो सकता है, लाल पीला हरा ब्लू नीला, ठीक है। उसके बाद आ जाओ सिंबल, तो सिंबल मैं आपको दिखा ही दिया हूँ, जो एट द रेट प्लस स्टार कॉपी राइट जोड़ घटा गुना बार कुछ भी अपना सिंबल रहेगा। उसके बाद डॉट, तो डॉट में भी आप यहाँ देख रहे हो जो डॉट वाला इस तरह से रहेगा, जो थ्री डॉट। तो अब आप एक चीज देखो, डॉट भी जो रहेगा जिस तरह से डिजिट क्या है, देखो ये तो कुछ भी हो सकता है, ये 2600 लेटर में कुछ भी हो सकता है, ये कलर आप कुछ भी हो सकता है, ये सिंबल कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये और ये लगभग दोनों एक ही है, यानी क्या, तो डिजिट वाला और डॉट वाला लगभग एक ही बात है। अब आप यही चीज में क्लियर कर रहा था, इसीलिए सारी चीज को मैं इरेज करके इस तरह से बनाया। अब आप देखो जो डॉट और यहाँ पे मैं क्या बता रहा था, तो डिजिट, ये दोनों एक ही है, एक ही, आप इसको आप ध्यान से समझो। जैसे कि यहाँ पे है सिक्स, तो यहाँ पे हम छह डॉट अगर लगा देंगे तो ये डॉट हो गया, यहाँ पे दो था तो यहाँ दो डॉट, यहाँ चार है तो यहाँ पे हम चार लगा दीजिए। अब जैसे यहाँ तीन डॉट है तो इसमें अगर हम तीन लिख देंगे, इसमें दो और यहाँ पे पांच लिखेंगे तो वही वाला बात बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब, इसका मीनिंग, इसका अर्थ यही हुआ, जो डॉट भी रहेगा तो वो एक दो तीन चार पांच छह तक ही रहेगा, ना ही सात डॉट या सात नहीं रहेगा डॉट इसमें, यानी सात बिंदु नहीं रहेगा, आठ नहीं रहेगा, नौ दस ग्यारह बारह जितना भी करें, छह बिंदु यानी छह डॉट तक ही रहेगा, यानी एक दो तीन चार पांच छह तक ही रहेगा, छह रहेगा। तो ये चीज अब आपका क्लियर हो गया, जो टाइप क्या है, किस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन। अब रही बात जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है, चाहे वो आईबी एग्जामिनेशन के लिए हो, या फिर एसएससी एग्जामिनेशन के लिए हो, या फिर रेलवे एग्जामिनेशन के लिए हो, हर हमेशा क्वेश्चन का जो टाइप है, पूछने का जो तरीका है, क्वेश्चन जो इस
लैंग्वेज जो क्वेश्चन का होता है पूछने का वो हर हमेशा सेम होता है क्या, तो विपरीत अपोजिट उल्टा रिवर्स आप जो भी कहो यही मानता है। जैसे कि ये डाइस हो गया, अब हम इसको मिटा देते हैं, ये समझाने के लिए मैं आप लोगों को बताया था जो, अब जैसे ये है छह, तो अब अगर इस डाइस में पूछेगा जो छह फलकों के नीचे कौन सा अंक आएगा या कौन सा अक्षर आएगा या क्या होगा क्या होगा, या फिर इस तरह से पूछेगा जो चार का रिवर्स या चार का उल्टा क्या होगा, चार का उल्टा क्या होगा, या फिर ये पूछ देगा यहाँ जो एक का उल्टा क्या होगा, यहाँ पूछ देगा लाल का उल्टा क्या होगा, यहाँ पूछ देगा प्लस का उल्टा क्या होगा, यहाँ पूछेगा जो पांच बिंदु या तीन बिंदु जो है उसका उल्टा क्या होगा। तो बस हर हमेशा क्वेश्चन का एक ही लैंग्वेज होता है, क्या लैंग्वेज होता है, तो जैसे यहाँ पे आप देखो जो जैसे यहाँ दो है तो बोलेगा जो दो के नीचे क्या होगा, दो के उल्टा क्या होगा, या दो के मतलब जो है विपरीत क्या होगा, विपरीत क्या होगा या नीचे क्या होगा, जो भी है आपको पूछेगा। टेंशन लेने की एकदम जरूरी नहीं है, आप एकदम निश्चिंत रहो। तो जैसे कि ए है, ए के नीचे क्या होगा, ठीक है, ए के नीचे या उल्टा कुछ भी है वो जो है कहने का मतलब जो इसके विपरीत क्या होगा, आप एकदम आराम से रहिए, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, हम आपको ये चीज बता रहे हैं। चलिए तो आप एक बार देखो, हर हमेशा क्वेश्चन का लैंग्वेज उल्टा या विपरीत ही होता है, आप ऐसा हड़बड़ाइए नहीं, आप सोचिए नहीं, आप आराम से एकदम देखिए क्या है। तो जैसे कि क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछेगा, क्या पूछेगा, जो छह के विपरीत क्या होगा, या फिर छह का उल्टा क्या होगा, या फिर छह के नीचे क्या होगा, या फिर छह के अपोजिट क्या होगा, या फिर छह फलकों के नीचे कौन सा फलक होगा, या छह सरफेस जहां सरफेस छह के ठीक नीचे वाला सरफेस क्या होगा, यानी लैंग्वेज क्वेश्चन पूछने का एकदम बिल्कुल सेम रहता है, वही रहता है, आप ये चीज को बढ़िया से जो है जान लो। चलिए अब ये तो बात ये हो गया, तो अब यही चीज है, अब जैसे इसमें क्या पूछेगा, तो ए के जो है विपरीत क्या होगा, ए के उल्टा क्या होगा, एफ का उल्टा क्या होगा, डी का उल्टा क्या होगा, इसी तरह से पूछा जाएगा। उसके बाद जैसे इसमें आ जाते हैं यानी कलर में, तो पीला कलर का उल्टा कलर कौन सा होगा, या फिर पीला कलर का नीचे क्या होगा, या फिर पीला कलर के अपोजिट क्या होगा, या पीला कलर के विपरीत क्या होगा, उसी तरह से लाल हरा का भी मतलब जो है क्वेश्चन का लैंग्वेज बनेगा। उसके बाद क्या है एफ, तो यानी एफ के नीचे क्या होगा, एफ का उल्टा क्या होगा, एफ के विपरीत क्या होगा, एफ का रिवर्स क्या होगा, एफ के अपोजिट क्या होगा, बस यही लैंग्वेज बनेगा आपको कोई भी टाइप का जो है डाइस रहे। जैसे कि यहाँ पांच बिंदु है, तो यहाँ ये दिया रहेगा जो पांच बिंदु के नीचे कितना बिंदु होगा, या फिर पांच बिंदु के अपोजिट कौन सा बिंदु होगा, या फिर दो बिंदु के उल्टा कौन सा बिंदु होगा, तो बस यही लैंग्वेज रहेगा, यही बात रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ, अब जैसे ये भी पूछा जा सकता है जो जैसे ए के सामने वाला अक्षर क्या होगा, या फिर चार के, तो सामने बोले, उल्टा बोले, नीचे बोले, ये सब कुछ नहीं। डाइस का मतलब क्या, जो आप देखो डाइस यही चीज है, जो एक डाइस अगर आप उठाते हो, जो भी डाइस यहाँ पे मेरा एक है, तो ये डाइस जैसे आप लूडो का इमेजिन करो, जो एक के नीचे क्या होता है, या फिर चार के नीचे कौन है, या फिर पांच के नीचे कौन है, या फिर दो के नीचे कौन है, या फिर छह के नीचे कौन है, जस्ट उसके पीछे, नीचे बोलो, पीछे बोलो, विपरीत बोलो, अपोजिट बोलो, उल्टा बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपना अपना एक सेंस है, अपना अपना एक क्या है लैंग्वेज है, बस। तो अब आपको बड़ी भांति समझ में आ गया होगा जो डाइस से क्वेश्चन का जो लैंग्वेज रहता है किसी भी एग्जाम के लिए या फिर कोई भी पोस्ट के लिए। जैसे रेलवे में हम ASM कर देंगे, ग्रेजुएशन लेवल वाला हो गया, या प्लस टू लेवल वाला, या टेक्निकल वाला, या मैट्रिक लेवल वाला, कुछ भी आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज वही रहेगा, हर हमेशा यही पूछेगा, और टाइप हर हमेशा क्या रहेगा, तो यही रहेगा क्या, तो डिजिट, अल्फाबेट, कलर, सिंबल और डॉट। चलिए ये चीज
अब आखिर में सवाल वही आती है जिसका आप लोगों का इंतजार है। क्या इंतजार है? जो किस तरह का सवाल रहेगा और कैसा क्वेश्चन रहेगा। तो बस आप ये चीज देखो, जैसे आप यहाँ पे हम देख रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए जो भी सिंबल है वो चीज हम देख रहे हैं, बस यही चीज है। और अब आप समझ गए जो जो है डाइस का जो है क्या है। तो हम यही कहेंगे जो आज का जो हमारा ये पार्ट रहेगा वो यहीं तक रहेगा। हम सिर्फ क्वेश्चन जिक्र करेंगे आपको अगले पार्ट में, यानी पार्ट थर्ड में हमारा क्या होगा तो क्वेश्चन जिक्र होगा। क्योंकि अगर आप सीखना चाहते हो तो आराम आराम से सीखो। जैसे कल आपने क्या सीखा और आज आपने क्या सीखा, दोनों में अंतर हुआ। अब आप देखो जो अब आपको सिर्फ क्वेश्चन बनाने का जरूरी है। तो क्योंकि जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे तब तक आपके समझ से बाहर हो जाएगा और आप परीक्षा में जो एग्जाम का जो क्वेश्चन रहेगा वो सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो हम यही कहेंगे जो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके तो बेल आइकन आपको दबाना ही होगा, क्योंकि तभी आपको अगले वीडियो का, जब आप बेल आइकन दबाओगे तो ही अगला आपको क्या मिलेगा, तो नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हमारा इतना तक। हम मिलेंगे डाइस के पार्ट थर्ड में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।